ये कहानी है छोटी सी चाय की कितली से शुरुआत करके आज 70 से ज्यादा हेली एंड चिली कैफे के ब्रांचेस चलाने वाले चंद्रेश बायर की। पिताजी कालूपुर स्टेशन के बाहर ताला चाबी और बैग्स की चेन रिपेयर करते थे और अपनी परिस्थिति की वजह से चंद्रेश ने अपनी पढ़ाई अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल नंबर 4 से BSc करने के बाद एक छोटी सी चाय की टपरी से शुरुआत की अपने फूड बिजनेस की। इस चाय की टपरी का कॉन्सेप्ट भी बड़ा इनोवेटिव था। अगर 5 मिनट में आपको चाय नहीं मिली तो आपका बिल माफ। इन्होंने अपना पहला कैफे 2006 में शुरू किया और कैफे के नाम की वजह से स्टार्टिंग में ही इनको स्टारबक्स की लीगल नोटिस आ गई। पर हार न मानते हुए इन्होंने एक और नई शुरुआत की, हेली एंड चिली। चाहे शुरुआत संघर्ष और छोटे व्यापार से की हो, अपनी इनोवेटिव सोच की वजह से आज हेली एंड चिली की देश भर में 30 शहर में 70 ब्रांचेस है। इस कैफे की खासियत भी चंद्रेश की इनोवेटिव सोच ही है। हेली एंड चिली विश्व का पहला ऐसा कैफे है जो कॉफी और बर्गर पे आपका नाम प्रिंट करके देता है और थिक शेक एडिबल ग्लासेस में सर्व होते हैं। इस कैफे को अब तक 3 गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है। वर्ल्ड की फर्स्ट 10 फीट लंबी फ्रेंच फ्राइज का, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेंच फ्राइज सर्विंग का जो 659 केजी की थी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंटेड कॉफी एंड बर्गर्स का। हेली एंड चिली ने शुरुआत 4 स्टाफ मेंबर से की थी और आज लगभग 150 से ज्यादा स्किल्ड लेबर की टीम है और चंद्रेश एम्प्लॉय को कोई भी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बिना भी हायर करते हैं और शॉर्ट पीरियड में ट्रेनिंग देके उनको रोजगार देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि काम करने की लगन होनी चाहिए। और उन्होंने अपना फूड इंडस्ट्री का ये एम्पायर एक ही सोच पर खड़ा किया है कि जब मुझे रिजेक्शन मिला तो मैंने उसे मोटिवेशन में बदल दिया। हेली एंड चिली कैफे के लिए आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें 35-40% प्रॉफिट मार्जिन है और ROI लगभग 18 महीने में अचीव हो जाता है। Branch.life सलाम करता है चिराग जैसे सभी युवाओं जो ऐसी परिस्थिति से उभर कर इतनी लंबी उड़ान भरते। तो दोस्तों, सपने देखने की हिम्मत और उसे पूरा करने की ताकत रखो। Branch.live आसान है।